सेंटर्स दूर है पटना से, बस यूथ कोर्ट के लिए। सो मेरे पीस का नाम है गुजरात प्रोफेसर और माँ, जो कि 27 सितंबर को गुजरात में हुआ था। एक प्राइवेट कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर ने अपनी माँ से तंग आकर उन्हें छत से फेंक दिया था। सो जाने कितनी मन्नतों बाद माँ ने उसे पाया था, दुआओं की सारी हदें पार कर उसे सीने से लगाया था। शिशु से नागरिक और नादान से समझदार क्या सिर्फ इसलिए बनाया था ताकि वो इंसानियत का मोल ही ना समझे? उन रातों की नींद और भूख को मिटाकर जिसे सिर्फ तेरी फिक्र रहती थी और तेरे 100 सवालों के करने से भी वो नहीं थकती थी, उस माँ के इन्हीं कर्मों का क्या खूब सिला दिया और उनके दूध के कर्जों को बखूबी अदा किया। जिसका शरीर तुझे सालों गोद में रखकर भी ना थका, उसकी सेवा तू 13 दिन भी ना कर सका। ना जाने किस गलती की सजा है तू, समाज में हो रहे कुकर्मों की वजह है तू। ना जाने किस गलती की सजा है तू, समाज में हो रहे कुकर्मों की वजह है तू। उस माँ का गुरूर था तू, लेकिन अब बस इस कलयुग का बेहया है तू। तुझे पाल पोस कर बड़ा किया, तेरे लड़खड़ाते हुए कदमों को खड़ा किया। तुझे पाल पोस कर बड़ा किया, तेरे लड़खड़ाते हुए कदमों को खड़ा किया, और तूने अपनी हैवानियत के आगे माँ की ममता को हरा दिया। करना था तुझे जो तूने कर दिया, अब खुद से नजरें कैसे मिलाएगा? दुनिया से नजरें छुपा के भी अब खुद को उस खुदा के सामने कैसे बचाएगा? थैंक यू। एक और पीस है, एक्चुअली वो मेंशन नहीं किया था, बट उस पीस का नाम है खुशी के पर्दे के पीछे एक गम की जिस्म है जो आप सब से और हमसे भी कुछ कहना चाहती है। अच्छा तो तुम इंसान हो, ऐसे इंसान जो महज एक गाली समझते हैं हमें, लेकिन हैवानियत के नाम पर अपना बनाना भी पसंद है उन्हें। ठिकाना हमारा है वो बदनाम गलियां जहां लोगों को आना तो पसंद है पर हमसे रिश्ता बनाना नहीं, जहां किस्मत आने से पहले ही अपना रुख मोड़ लेती है, बस वहीं हम अपनी किस्मत आजमाते हैं। यहां रातें भी होती है, बिस्तर भी मिलता है, बस मिलती नहीं तो वो है सुकून। यहां सूरज की रोशनी आती तो ज़रूर है, बट जिस्मों की रौनक को बढ़ाने के लिए। ना ईद, ना होली, ना दिवाली, कुछ नया नहीं हमारे लिए, नए हैं तो बस यहाँ आने वाले चेहरे। वैश्या, वरांगना, यौन कर्मी, ना जाने कौन कौन से नाम दिए गए हमें, लेकिन क्या इस सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी हवस की भूख को मिटाने का जरिया है हम? पता है वो हर महीने का 4 दिन बहुत सुकून मिलता है हमें, जब खुद को जिस्मों के गंदे खेल में झोंकना नहीं पड़ता है। यहाँ ठहरना किसी को पसंद नहीं, ना सुकून ना उम्र, ठहरते हैं तो बस यहाँ आने ना लोग, ना सुकून और ना उम्र, ठहरती हैं तो सिर्फ हमारी मजबूरियाँ। वाह रे इंसान, क्या सोच है तेरी, बिस्तर पे साथ रहना तो पसंद है, लेकिन इन सिलवटों के पीछे दर्द को समझना नहीं। थैंक यू। बचपन की यादों के साथ सभी जीते, बचपन की वो यादें वो पल मस्ताने जिनमें होते थे उनके दीवाने, मैं तो तभी से शामिल था जिनमें होते थे उनके दीवाने। मेरे चाहत की गहराई को तब नहीं उन्होंने जाना, पता नहीं तब उन्होंने किसको अपना माना। चलो पता करते हैं उसमें कसूर किस बात का था, ये बताने आएंगे हमारे साथ सानू चंद्रा जी, क्या कसूर था।